हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 35 बाई 65, 35 फीट प्लॉट की चौड़ाई है और 65 फीट प्लॉट की लंबाई है। नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है, वो हमारे पास है 35 फीट। 35 फीट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक, यहाँ तक वो हमारे पास है 65 फीट। 65 फीट हमारे पास प्लॉट की लंबाई है। तो 35 बाई 65 हमारे पास प्लॉट का एरिया हो गया और नॉर्थ फेस है, उत्तर दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों साइड प्लॉट के अदर प्रॉपर्टी है। तो चलिए दोस्तों इसकी उत्तर दिशा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बाउंड्री वॉल है, इसके ऊपर हमारे पास दो मेन गेट है, एक तो 10 फीट का मेन गेट है और एक 5 फीट का मेन गेट है। 10 फीट का मेन गेट हम जैसे खोलते हैं तो मेंटर होते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 4.5 इंच बाय 16 फीट, 12 फीट 4.5 इंच चौड़ाई के अंदर और 16 फीट लंबाई के अंदर ये हमारा पार्किंग एरिया है। और 5 फीट का मेन गेट खोलते हैं, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारा छोटा सा गार्डन बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाय 12 फीट 4.5 इंच, 10 फीट ऐसे और 12 फीट 4.5 इंच ऐसे, ये हमारा गार्डन हो गया। और मेन गेट से सीधा चलते हैं तो यहाँ पर ये हमारा पूरा पोर्च बना हुआ है, जिसकी हमारे पास साइज है 8 फीट बाय 9.5 फीट, 8 फीट ऐसे और 9.5 फीट ऐसे, ये हमारा पोर्च है। अब इसके अंदर यहाँ पर देखिए, जैसे ये दो स्टेयर अप करते हैं तो यहाँ पर आउटर सिटिंग बना हुआ और फिर यहाँ पर आ रहा हमारा 4 फीट का घर का मुख्य दरवाज़ा, ये हमारा घर का मुख्य डोर हो गया है 4 फीट का। इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा पूजा रूम बना हुआ, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट 3 इंच बाय 7 फीट 3 इंच, 5 फीट 3 इंच ऐसे और 7 फीट 3 इंच ऐसे, हमारा पूजा घर हो गया। इसकी 3 फीट की विंडो सामने गार्डन एरिया के अंदर निकल रही है और पूजा रूम के इस तरफ यहाँ पर इस बेडरूम की दीवार तक हमने और 4.5 फीट 4.5 इंच की जगह और छोड़ रखी है, ठीक है, ताकि इस बेडरूम की विंडो यहाँ पर निकल सके। तो ये हमारा हो गया पूजा रूम, इस पूजा रूम का ये 2.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा हो गया घर का मेन डोर। अब यहाँ पर देखिए दोनों दीवारों के बीच में 8 फीट का गैप है और फिर यहाँ से हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे एंटर होते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट 9 इंच बाय 12 फीट, 12 फीट ऐसे और 12 फीट 9 इंच ऐसे, ये हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया, जिसकी 5 फीट की विंडो सामने पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। और यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 बाई 6, 5 फीट ऐसे और 6 फीट ऐसे, हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका कॉमन ड्रेसिंग, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट 7.5 इंच बाई 5 फीट और ये कॉमन टॉयलेट। इस कॉमन टॉयलेट का 2 फीट का वेंटिलेशन या पश्चिम दिशा के अंदर या लिविंग एरिया के बाद में हमने पूरी 3.5 फीट की बालकोनी छोड़ रखी है पीछे तक, ठीक है। और पीछे हमने दक्षिण दिशा के अंदर भी ये पूरी 3.5 फीट की बालकोनी छोड़ रखी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि हमें वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो ये हमारा हो गया लिविंग एरिया, यहाँ पर आपके सोफे वगैरह लग जाएंगे। अब लिविंग एरिया के यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 बाई 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, हमारा बेडरूम है। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो यहाँ सामने निकल रही है पूजा करके पीछे, ठीक है, पूजा कर थोड़ा सा इधर किया हुआ है और बेडरूम वापस पीछे ले रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते हैं तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए हमारा स्टेयर केस है, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3.5 फीट बाई 7 फीट हमारा स्टेयर केस का लैंडिंग है। पर स्टेयर केस के बाद में यहाँ पर चलते हैं तो ये हमारा और डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 16 फीट 10.5 इंच, 10 फीट यहाँ से लेके यहाँ तक और 16 फीट 10.5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डाइनिंग एरिया गया। यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल वगैरह लग जाएगी। और डाइनिंग एरिया इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 बाई 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे। इसकी 4 फीट की विंडो भी इस पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही है, जो साइड वाले हमने छोड़ रखी है। और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पे देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 6 फीट 1.5 इंच बाई 6 फीट, 6 फीट 1.5 इंच ऐसे और 6 फीट ऐसे, हमारा अटैच टॉयलेट हो गया। इसका 2 फीट का वेंटिलेशन भी इस बालकोनी के अंदर निकल रहा है। इस बेडरूम से वापस बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 बाई 12 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो पीछे तो दक्षिण दिशा के अंदर हम जो बालकोनी छोटी की उसके अंदर निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर भी यहाँ पे 2.5 फीट का दरवाजा और अटैच टॉयलेट आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 5 फीट 7.5 इंच बाई 6 फीट 1.5 इंच, जिसका 1-2 फीट का वेंटिलेशन तो पीछे वाली बालकोनी के अंदर निकल रहा है और 1-2 फीट का वेंटिलेशन इधर पश्चिम वाली बालकोनी के अंदर निकल रहा है। तो अटैच टॉयलेट वापस बाहर आ गए, ये हमारा बेडरूम हो गया। इस बेडरूम के जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और हमारा किचन आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 10 बाई 12, 10 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, हमारा किचन हो गया। इस किचन की 4 फीट की विंडो पीछे बालकोनी के अंदर निकल रही और इस पीछे बालकोनी के अंदर और साइड वाली बालकोनी के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर किचन से 2.5 फीट का दरवाजा देने का, ठीक है। तो चलिए अब इसको एक साथ देखते हैं। तो ये आपकी होगी दोस्तों उत्तर दिशा, ये हो गई 5 फीट का मेन गेट, ये 10 फीट का मेन गेट, ये पार्किंग, ये पोर्च, ये गार्डन, ये पूजा रूम, ये मेन डोर, और फिर यहाँ पर ये लिविंग एरिया हो गया, ये बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, कॉमन ड्रेसिंग, यहाँ पर स्टेयरकेस, ये बेडरूम, और इस लिविंग एरिया से यहाँ से पूरी 3.5 फीट की बालकोनी चल रही है। ये आपका डाइनिंग एरिया, ये किचन, ये बेडरूम
और इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट और इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट और यहाँ से लेके पूरी पीछे 3.5 फीट चौड़ाई के अंदर ये पूरी बालकोनी हमारी जो की है। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। 35x65 प्लॉट की साइज है और जिसके अंदर पार्किंग है, पूजा रूम है, लिविंग एरिया है, 3 बेडरूम है, 2 बेडरूम का अटैच टॉयलेट है, 1 कॉमन टॉयलेट है, कॉमन ड्रेसिंग है, छोटा सा गार्डन है, डाइनिंग एरिया है और किचन है और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए 35 फीट ऐसे प्लॉट की चौड़ाई हो गई। ये हमारी बालकोनी, ये बेडरूम, ये किचन, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, इस बेडरूम का ये अटैच टॉयलेट, ये डाइनिंग एरिया, ये स्टेयरकेस, ये कॉमन टॉयलेट, कॉमन ड्रेसिंग, ये लिविंग एरिया, ये बेडरूम, ये घर का मेन डोर, ये पूजा रूम, ये हमारा पोर्च, ये गार्डन, ये 5 फीट का मेन गेट, ये पार्किंग एरिया, ये 10 फीट का मेन गेट और ये उत्तर दिशा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।